पहली मशीन है, ये क्या करती है सर? ये जो है ये हार्वेस्टर है हमारा जी। अटैचमेंट जो है 90 एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर लगा हुआ है जी। ये 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, आसपास में मेरे हिसाब से होगा भी नहीं है जी। और हम भी इसको बस ये कटर के इसमें यूज करते हैं। ये 4 रो हमारा मक्का काटने वाला कटर है जी। और ये रिवर्स चलता है ट्रैक्टर, रिवर्स भी चलता है और पीछे भी चलता है। अच्छा, इसमें स्टेरिंग इनने क्या है कि देखिए एक रिवर्स वाला करा के रखा है, जो कि ट्रैक्टर को जितना आप आगे चलाओगे उतना ही रिवर्स भी चला सकते हैं। और ये जो सीट है ये रोटेट है? हाँ, ये सीट रोटेट है, मूवेबल सीट है पूरी। अच्छा, और जो ये रहता है, ये खड़ी मक्का को जब मक्का मतलब 90 डेज की हो जाती है, 90 to 100 डेज के अप्रोक्स में जब मक्का हो जाती है, हरी रहती है मक्का जी, तो भुट्टे सहित अपन ये कटर को खेत में ले जाते हैं जी। और ये काट करके और ट्रॉली में डाल देता है, ट्रॉली में डालता है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये पूरा बारीक बुगदा बना करके एकदम बारीक चॉपिंग कर देता है उसकी। मतलब अप्रोक्सी मान के चलिए 1 to 2 mm के आसपास में इसकी चॉपिंग कर देता है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये आती है अपने प्लांट पे जी। यहाँ प्लांट पे ये अपनी मशीनें लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ ट्राली वगैरह खाली आएंगी, ट्रालियाँ यहाँ आकर के डंप होंगी जी। और यहाँ पे फिर एक ट्रैक्टर रहता है अपने लोडर वाला जी। जैसा ये अभी दूसरा ट्रैक्टर है ये जिसके ऊपर अटैचमेंट हो रहा है जी, एक दूसरा ट्रैक्टर है हमारे पास लोडर वाला जी, उससे मशीनों के अंदर डंप करता है वो लोडर वाला ट्रैक्टर उठा करके जी। और ये मशीनें पैक कर करके, ये दोनों अच्छा। मशीनें पैक कर करके, ये 100 kg का है ये वाला बैरल, ये 100 kg की पैकिंग निकालता है जी। और ये वाला जो बैरल है 60 kg की पैकिंग निकालता है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग बैरल, जिसको 60 में चाहिए वो ये, और जिसको 100 में चाहिए वो ये। तो अच्छा, मतलब मटेरियल जो है पहले यहाँ इस बकेट में आता है। हाँ। उसके बाद प्रोसेसिंग करके इधर से करके इसके अंदर हमारे मिनरल मिक्सचर्स और सारी चीज़ें जो डलती हैं। हाँ। वो सब हम डालते हैं जी। और फिर यहाँ से निकल करके बाहर आती है ये जो है, ये पूरी रैपिंग होती है उसकी जी। रैपिंग होने के बाद यहाँ से फिर बेल निकलती है। अच्छा, और ये जो रहेगी बेल, इसकी ये खासियत है कि इसके अंदर अगर ये जैसे पैक है बंडल जी, तो ये 3 साल तक भी रखा रहेगा, तो 3 साल तक भी ख़राब नहीं होगा और हरा का हरा बना रहेगा अंदर। ग्रीन फोडर की कोई समस्या नहीं रहेगी किसी को। अच्छा, ये सबसे बड़ी खासियत है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे गर्मी के टाइम में ये होता है कि लोगों को ग्रीन फोडर नहीं मिल पाता, हरी चीजें नहीं मिल पाती। अभी अपन ने इसका ट्रायल जो है, अभी अपन ने इसको मक्का के ऊपर करा है जी। अभी धीरे धीरे करके अपन सुपर नेपियर के ऊपर भी इसको ट्रायल लेने वाले हैं और दूसरी फसलों पर भी ट्राई करने वाले हैं। अच्छा, अभी अपन वीट साइलेज और शुगर केन साइलेज और ये भी चालू करेंगे। अच्छा, टाइम बाद। अच्छा, तो इसमें जैसे किसी को साइलेज के लिए अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना है, मंगाना है, तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर वगैरह और कितनी क्वान्टिटी, मतलब ऐसा कुछ? अब वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब कितना दूर है जहाँ पे उनको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर रहता है तो फिर बड़ी गाड़ी जा पाती है जी, और अगर पास में तो छोटी गाड़ी भी चली जाती है। अच्छा, तो हमारा जो कंपनी है वो AVD साइलेज के नाम से है जी, हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है जी, और दूसरा कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी है जी, वो मैं आपको डिटेल दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा जी। जी बिल्कुल, तो उसके साथ में जैसे आपका जो शेड्यूल है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है जी, बट जैसे किसी को अगर आपसे संपर्क करना है जी, तो किस समय आपको फ़ोन लगा सकते हैं ताकि? नहीं, मॉर्निंग टाइम आप लगा सकते हैं 10 to 6 में, कंपनी के नंबर रहेंगे उसके अंदर, कंपनी से आप बात कर सकते हैं, सेल्स पर्सन जी। तो आपने जो डिटेल दी है बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आपने जो डिटेल दी है ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल कोई वैसे देता नहीं है। लेकिन क्या है कि इसमें दोनों चीज़ अपन ने कवर कर ली है। पहला तो अगर किसी किसान को साइलेज के लिए मक्का लगाना है, हाँ, तो वो लगा सकता है लगभग 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट, और उसका प्रोडक्शन लगभग 200 से 350 kg। बिल्कुल, तो उसमें जो भी अर्निंग होगी उसका मतलब क्या है कि रेट हमेशा ऊपर नीचे डाउन और अप डाउन तो होता रहता है। रहते हैं उसके अप्रोक्स से मान करके चलिए आपके 2 से 2.5 रुपए तक केजी का। हाँ, 2 से 2.5 रुपए के अप्रोक्स केजी का रेट रहता है उसका, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं तो अच्छा, मतलब किसान को भी अच्छी बचत हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि किसान की कोई खटपट नहीं रहती है। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि जैसे आप किसान को, हमको बस खेत दिखाना है, उसने खेत दिखा दिया, हम पूरा उसका खेत साफ करके देंगे, उसको बस रोटावेटर मार के वो अगली बोनी बो सकते हैं। ये किसानों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए आप जब भी जैसे मक्का लगाते हैं तो लगभग एक तो 40 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सीड प्रोडक्शन रहता है, और मिनिमम अगर देखा जाए तो लगभग 40 क्विंटल एक एवरेज निकलता है उसका, अगर रेट आपको 1500 मिला। और उसके बाद फिर क्या है कि आपको तोड़ाई का खर्च, उसके बाद फिर मक्का कटाने का खर्च और खेत बनाने का खर्च, खेत साफ करवाने का है ना, उसके अंदर से टटेरे कटवा करके फेंकना पड़ेगा, तो उसमें क्या है कि उनका थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। और इसमें सिर्फ आपको एक तो समय से आपका खेत खाली हो गया, आप मूंग बो सकते हैं अगर आपने गर्मी की मक्का लगाई है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा। हाँ, कि आपको एक फसल पूरी मिल जाएगी जो आपको इधर पे नहीं मिल रही है। हाँ, जो अगर आप मक्का के अगर भुट्टे तोड़ते हो तो वो आपके जाएंगे मई के अप्रोक्स में आपके जाएंगे जब भुट्टे टूटे, और अगर आप वही साइलेज में कटवा देते हो तो आप मूंग की फसल पूरी ले सकते हो। हमने बो दी है, हमारी जो मूंग है अभी कुल पे निकलने पे है।
अच्छा हमने बो दी है मूंग वहाँ पे जो हमारी मक्का लगी हुई थी, अच्छा अच्छा 90 to 100 days के अप्रोक्स में हम उसको क्रश कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है किसानों के लिए, ये लगभग 150 या फिर 130 दिन में मक्का कटती है फिर साफ होती है, तो इसमें समय बहुत ख़राब होता है किसानों का। और इसमें लगभग अगर आउटपुट देखें तो लगभग साइलेज जितना जो आउटपुट है, साइलेज में और ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है किसानों को, उसमें और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उनका अच्छा इनकम मिल जाती है, क्योंकि उनका जो खर्च है काफ़ी कम होता है जी, क्योंकि सिर्फ उनको बुआई करना है, खाद पानी देना है और खेत साफ करने का काम साइलेज का आपका रहेगा। बिल्कुल, तो खेत उनको बिल्कुल साफ मिल जाता है जी। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। सर थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरे को ये जो काम की मतलब प्रेरणा जो मिली जी, वो मेरे को ऐसे मिली कि मेरे पापा जो है वो गौशाला का संचालन करते हैं। हमारे पास अभी फिलहाल में वर्तमान में 1500 गौवंश के आसपास में गौशाला में गौवंश है जी, जो कि निराश्रित गौवंश है जिससे हमको कोई इनकम नहीं रहती जी। तो ये प्लांट का मेन लगाने का पर्पस वही है कि हम अच्छे से अच्छा जो फोडर रहेगा वो गौशालाओं को सप्लाई कर पाएं, डेयरी फार्मर्स को दे पाएं जी। और इसका भी जो पैसा आएगा इससे भी जो हमको इनकम मिलती है वो भी हम उनका आयोग के वेलफेयर में उसको पैसे को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो मतलब एक तो इनपुट भी वगैरह है बढ़िया है, और उसके साथ में आप, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो 1500 गाय का जो गोवंश जो आपने संभाल के रखा है, ये मेरे ख्याल से कि 2 से 3 जिले या फिर MP में अगर देखें हाँ। तो मेरे ख्याल से तो मेरे तो जहन में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ की जगह 1500 प्लस गाय हो हाँ। बाकी खैर अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कौन सा ऐसा गोवंश है जहाँ 1500 गाय है और उनकी देख रेख हो रही है और प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसके साथ में आप जैविक खेती भी हाँ, ऑर्गेनिक का अपना जो है वो पूरा ऑर्गेनिक का भी है साथ में जी। तो जो वेबसाइट है हमारी वो आचार्य विद्यासागर साइलेज एंड ऑर्गेनिक्स के नाम से ही है। अच्छा, और अभी हमने जैविक की हल्दी तैयार करी है, यहाँ पे जैविक की हल्दी रखी हुई है जी। और साइलेज का काम अपना चल ही रहा है, हमारे पास ऑर्गेनिक गेहूँ रखा हुआ है, अभी वो पूरा हमारा ऑर्गेनिक्स में जाएगा गेहूँ जो है जी। अच्छा, इसके साथ में जैसे आप जैविक खेती तो करते ही हैं, उसके साथ में पिताजी को जो अवार्ड मिला था जी, वो उसके बारे में? पिताजी को जो मिला था वो भारत सरकार के तरफ से अवार्ड मिला था जी, वहाँ से उनको दिल्ली बुलाया था जी, जो पशुपालन मंत्री जो हैं अपने रूपाला जी जी, रूपाला जी ने उनको सम्मानित किया था जी, क्योंकि उनने मतलब इतना अच्छा जीवदया का काम भी कर रहे हैं और काफ़ी साल से 25 साल से निरंतर चल रही है हमारी गौशाला। अच्छा अच्छा, और अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है, 25 गौवंश के आसपास से हमने स्टार्ट करी थी आज से 25 साल पहले, और अभी फिलहाल वर्तमान में 1500 के आसपास वहाँ पर गौवंश हैं। और उनका जो लक्ष्य है मतलब उनने यही सोच करके रखा है कि हमको 5000 गौवंश वहाँ पर करना है। अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। जैसे बाई चांस अगर कोई किसान ऐसे हाँ। देखिए एक किसान दो किसान को तो आप घुमा नहीं सकते, जैसे एज ए टीम में अगर कोई आना चाहे हाँ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा समय निकाल कर, ठीक है ना, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, क्योंकि देखिए एक किसान को घुमाना, एक किसान को पूरा गोवंश घुमाना, उसके साथ साइलेज फैक्ट्री घुमाना, सारी हाँ। चीज़ें दिखाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अगर ग्रुप्स में आते हैं लगभग 50 किसान 100 किसान हाँ। तो वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेगी। नहीं बिल्कुल करवा देंगे अपने को, उसके अंदर कोई दिक्कत है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।